सर्वप्रथम आह्वान करें परात्परम परात्पराजन्नी की सम्मिलित दिव्य चेतना का, अवतरित होकर वर्तमान में परात्पर के प्रतिनिधि स्वरूप प्रादुर्भूत हुए महायोगी महर्षि श्री अरविंद द्वारा विरचित सावित्री महाकाव्य के बुक वन कैंटो फोर द सीक्रेट नॉलेज चौपनवे पृष्ठ की 12वीं पंक्ति पर 40वें इंस्टॉलमेंट में हमारी चेतना को अपनी चेतना के साथ रखकर ऊर्ध्वारोहण कराएं, ताकि रखे गए भाव को विचारणा को मंत्रों को सूत्रों को प्रकट होने पर हम ठीक ठीक देख सके जान सके सीख सके समझ सके तद अनुरूप साधना के ध्रुव पथ पर अपना कदम आगे बढ़ा सके। इसी मनोभाव से हम प्रयत्न करते हैं, कहते हैं महायोगी अबाउ द वर्ल्ड क्रिएटर्स स्टैंड इन द फेनोमेनन सीज मिस्टिक सोर्स दीज हीड नॉट द डिसीविंग आउटवर्ड प्ले दे टर्न नॉट टू द मोमेंट्स बिजी ट्रैम्प But listen with the still patience of the unborn, for the slow footstep of far destiny, approaching through huge distances of time, unmarked by the eye that sees effect and cause, Unheard amid the clamour of the human plane, पूर्व के कुछ भाव को साथ रखकर सरल भाव की ओर हम आगे बढ़ते हैं। विश्व प्रमेय थ्योरम प्रयोजन के ज्ञाता अनाकारित रूप में मौन बने रहकर देश काल सीमा की दीवारों के परे के परालोक निवासी अजर अमर दिववासी ये देववृंद अपनी अमर्त ऊंचाइयों पर बैठे बैठे मानवीय विचार बंधन से मुक्त बने रहकर जगत एवं ब्रह्मांड में घटित होने वाली संकल्प भाग्य एवं देवयोग से संचालित जीवनों के सृजनकर्ता स्वामी बने रहकर सब कुछ घटित होने वाली क्रियावलियों पर सतत सदैव निगरानी करते रहते हैं। इन देववृंद के ऊपर परालोक की सचलायमान परमात्मा परात्परा शक्ति जगन माता के सृष्टि सृजन के शुभारंभ स्थान पर विराजमानता के प्रति ये पूर्ण रूपेण सचेतन बने रहकर व्यक्त स्वरूपों में प्रदत्त निर्धारित कार्य प्रति ऊर्ध्व स्थित जगन माता के दिशा निर्देशन की प्रतीति एवं प्राप्ति पूरी मुस्तैदी से सत्य स्वरूप में ग्रहण करके नीचे सृजित सृष्टि में इसके अनुपालन हेतु सतत प्रेषित करते रहते हैं। इस प्रकार सृष्टि सृजन के देववृंद मध्यस्थ निर्माता अपनी अभिव्यक्त रचित सृष्टि के ऊपर सदैव सुप्रतिष्ठित रहते हैं और परमोच्च सत्य सचलायमान जगन माता
चेतना द्वारा संकल्पित दृश्यों को सृजन आरंभ से बहुत पहले से जान समझकर तदनुरूप इसी स्थूल दृश्यमान जगत में ऊपर पराग पराग के एक से बहु बनकर अभिव्यक्ति में प्रकट होने के गुई स्रोत से सतत संपर्क में रहकर नीचे अभिव्यक्त जगत में प्रत्येक घटित होने वाली क्रिया का परात्परा लोक से प्रेषित निर्देशानुसार संचालन आकारों में आकारित होना और सतत विकासोन्मुख प्रक्रिया से नित नवीन आकारों में विकसित होकर वृद्धिमगत सचेतनता धारित आकारित अभिव्यक्ति कराने का उपक्रम करते रहते हैं। प्राप्त पूर्व ईश्वरीय सृजन ज्ञान सत्य निर्देशानुसार सृजित आकारों वाली सृष्टि से वे कभी भी भ्रमित नहीं होते, जैसे कि मानव इन घटित होने वाली सतही घटनाओं क्रियाओं आकारों की श्रृंखलाबद्ध निर्मिति से भ्रमित होकर छल में फंसते रहते हैं। इस छलते रहने वाले जगत ब्रह्मांड एवं मानवों के बाह्य रूप आकारों की छलने वाली लीला की कुछ भी परवाह ये अजर अमर देवता नहीं करते और नहीं कभी देश काल सीमाबद्धता में काल जनित घड़ियों की व्यस्त व्यस्ततम दौड़ धूपों पर तनिक भी अपना ध्यान धरते, कुछ भी सुनते नहीं, नहीं कोई कान धरते, क्योंकि जिस हेतु से सृष्टि सृजनहारे परमात्मा ने इन देवताओं का सृजन किया है और इन्हें अपने रूपों आकारों में ढलकर अभिव्यक्ति पाने तथा लालन पालन के लिए प्रत्येक अभिव्यक्त अंश के विकास आवश्यकता अनुरूप विशुद्ध बल ज्ञान तथा सृजनात्मिका बोध से समन्वित भी किया है इन देव वृंदों को तथा सतत प्रवाहित होते इस झरने के प्रति सदैव सचेतनता तो बनी ही रहती। इसके अपराध जगत घटनाक्रम एवं क्रियावलियों से अभ्रमित बने रहकर ऊपर विराजमान सृष्टि सृजनकर्ता अज अनादि का शांत धैर्य लेकर सृजित सृष्टि में सृजन के आगे का भावी सृजन ज्ञान एवं भाव की मंद मंद नीराती दूर पगों की दिव्य पद चाप ध्वनि को ये देववृंद ध्यानस्थ रहकर सुनते प्रतीक्षित रहते हैं, ताकि कालबद्धता की सीमा में अपने द्वारा प्राप्त निकटस्थ सृजन प्रक्रिया को संचालित करके अभिव्यक्त जगत में अंजाम देने में यहाँ जगत के नाप तोल वाले अनंत युगों को धैर्यता पूर्वक व्यतीत होते रहते जाने के साथ साथ सृजन ज्ञान को दृश्य जगत के मनस पटल पर अभिव्यक्ति हेतु घटित होने देने के कार्य का
कुशलता पूर्वक संचालन कर सके, युगों युगों में ये देव वृंद संचालित महाप्रकृति के विकासोन्मुख क्रियाकलापों में सतह पर जगत में अभिव्यक्तिकरण कार्य के कारण देखने वाले ये मानव नेत्र भी इन्हें देखकर नहीं समझ सकते और न ही जानने के प्रयत्नशील धरा पर अभिव्यक्त हुए ऋषि व्याप्त भूमि के कोलाहल पूर्ण वातावरण की आपाघापी से प्रभावित होते हुए कानों से सुन ही सकते हैं। ऐसे इस जगत व्याप्त कोलाहल पूर्ण स्थितियों में भी जगत की समस्त घटित होने वाली आपाघापी पूर्ण प्रक्रियाओं से सदैव प्रभावित रहते हुए ये अजर अमर देव वस्तु वस्तु जीव जीव वृक्ष लता एवं मानव के भीतर छिपे गुप्त प्रदेश के रहस्यमय सत्य से सदैव परिचित होते, केवल ऊर्ध्व परा से अवतरित पगचापों की ध्वनि पूर्ण धैर्य एवं युग युग प्रतीक्षारत रहते हुए उनसे संपर्क किए होकर उनके लिए निर्देशित आवश्यक कार्य क्रिया ही संपादित करके संचालित करने में सदैव सतत तन्मय बने रहते हैं ये स्तुत्य देव वृंद। आज हम इस सार गर्भित विषय को यहीं विराम देते हैं। आह्वान पर उत्तरित हुई परात्पर एवं परात्परा जननी की सम्मिलित दिव्य चेतना जिन पर आरूढ़ होकर हमने सावित्री महाकाव्य के दिव्य सूत्रों मंत्रों को प्रकट होने पर देखा सीखा समझा जाना, अवतरित हुई दिव्य चेतना से हम निवेदन करें प्रकट हुए इस ज्ञान को विज्ञान को हमारी सत्ता के स्तरों में उचित स्थान प्रदान कराएं, ताकि जब जब साधना के ध्रुवपथ पर हमें इस ज्ञान की विज्ञान की आवश्यकता हो तब तब यह ज्ञान विज्ञान जागृत होकर साधना के ध्रुवपथ पर हमारा नेतृत्व कराए। इसी मनोभाव से हम कुछ क्षणों के लिए ध्यान की गहराई में प्रवेश कर जाएं, सचेतन सावधान सावचेत बने रहें। भागवत क्रिया हमारी सत्ता के स्तरों पर संपन्न होने जा रही है।